नाइव। ये अरपा नदी है, बिलासपुर के रिवर व्यू पर हम खड़े हुए हैं। अरपा को दोनों पार्ट देखना बहुत ही सुखद एहसास होता है। एक लंबा इसका सफ़र है, करीब 80 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर तक ये नदी चलती है अपने उद्गम से, और इसका पानी यूं ही बह जाता है हर वर्ष। लेकिन इस वर्ष जो है ये चूँकि चौड़े पार्ट वाली अंतः जलिलाओं में नर्मदा जैसी बड़ी नदियों में शुमार है, जिनके चौड़े पार्ट हैं, जिनके पानी की क्षमताएं बहुत अधिक हैं, इन क्षमताओं का जो है मनुष्य सिर्फ दोहन करता है रेत वेत वगैरह का। पानी के संरक्षण के लिए मेरा ये मानना है कि नदियों को अपने दायरे हर वर्ष हर बारिश में कर लेने चाहिए। इससे ये रहता है कि नदियों के दायरे जब होते हैं, जब शामिल हो जाते हैं, जल संकट से गर्मियों में जूझ रहे हैं, उस जल संकट का समाधान इन नदियों के भीतर है। इन नदियों के धार्मिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इन नदियों की धार्मिक मान्यताओं को फिर से एक बार बहाल करने की आवश्यकता है। आज यहाँ ये नदी का ये स्वरूप देख करके इतनी प्रसन्नता हो रही है। मैं 2016 से बिलासपुर शहर में हूँ, और इन 3.5 वर्षों में जो है मैंने 2 बार अरपा पर 2 कविताएं ऐसी लिखी हैं, जिनमें एक कविता में बहुत आह्वान है कि अरपा तुम अपने पाठ तोड़ दो और अपने पूरे एरिया में फैल जाओ, और इस शहर के या इस दुनिया के ऐसे आताताइयों और ऐसे कब्जाइयों को तुम अपनी ज़मीन से, अपनी जगह से बेदखल कर दो और अपने विराट स्वरूप को लेते रहो। और ये प्रकृति ही कर सकती है, इंसान तो प्रकृति का महत्व समझ नहीं पा रहा है। हम लोग तो इन चीज़ों में बहुत उलझ गए हैं, अपने अर्थतंत्र में, अपने आप में, अपने भीतर में, अपनी फालतू की चीज़ों में, अपनी विलासिताओं में इतने इतने ज़्यादा गहरे बैठ गए हैं, इनके भी कुतर्क लेकर आ गए हैं। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये सब चीज़ें यूज की चीज़ें होती हैं जो पश्चिमी सभ्यता से हमें मिला है, और हम उसको बड़े गौरवगान के साथ बोल देते हैं, कह देते हैं कि नदियाँ, इन सबका दोहन जितना हो सकता है किया जा सकता है। हम इनको दोहन बराबर दोहन तो नहीं करते, हम इनका सेवन करें, उपयोग करें, और इनको इनके बदले में हम उनको जो दे सकते हैं वो देते रहें, वो हम देते नहीं हैं। इसीलिए नदियाँ जो हैं कुरूप होती जा रही हैं, और जब वो अपने स्वरूप में आती हैं, अपने मूल स्वरूप में आती हैं, हमें लगता है, हमें वो लगने लगती हैं कोसी जैसी भयावह, और फिर हम उसको प्रलय और कयामत दुनिया भर के शब्दों से नवाजते हैं। अगर हम उनका रास्ता रहने दें, अपना वो अपने रास्ते चलें, वो अपने रास्ते चलें, तो ऐसी नौबत कभी ना आए, ऐसी स्थितियाँ कभी ना आए, ऐसी विहंगम हालात कभी ना बने। इसलिए नदियों को, पहाड़ों को, और जो प्राकृतिक जो भी अवयव हैं, पेड़ों को, पौधों को, अपने मूल स्वरूप में, अपने विराट स्वरूप में, अपने अनंत स्वरूप में, अपने मौलिक स्वरूप में उनको रहने दें, उनके साथ तादाद में बिठाएं, उनके साथ एसोसिएट हों, क्योंकि वो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, बल्कि आपके लिए समर्पित हैं। लेकिन आप उनके साथ एसोसिएट भी नहीं होना चाहते, आप अपना दायरा, अपना कब्जा, अपनी जो लालच है, लोभ है, उस लंपटता है, उसको आप इतना विकराल करना चाहते हैं, इतना विराट कर लेते हैं कि आपको मूल अपनी अपने ही अस्तित्व पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उनको वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अरपा के इस स्वरूप को देखकर मैं गदगद हूँ, आनंदित हूँ। मैं ही नहीं, पूरे शहर आनंदित है, गदगद है, हर व्यक्ति सोच रहा है। चिंतित वही हैं जो तट पर किसी वजह से, कोई कब्जे की वजह से या कोई शहर में दूसरी जगह ना मिलने की वजह से यहाँ पर बस गए हैं, उनको ज़रूर थोड़ी चिंता है, लेकिन वो चिंता गैर ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी का रास्ता रोकेंगे तो वो भी आपको एक ना एक दिन वो आपको धक्का देगा। तो ये अरपा का रास्ता जहाँ जहाँ भी रोका गया है, जब जब भी रोका गया हो, उनको ये एक अच्छी नसीहत है। मैं नर्मदा के किनारे का रहने वाला हूँ, नदियों से बे इंतहा मोहब्बत है, नदियों के लिए कुछ करने का एक अंतर आत्मा का एक संकल्प है, परंतु वैसी कोई परिस्थितियाँ या ऐसी स्थितियाँ नहीं हो पाती किसी वजह से, अपने खुद की विल पावर की वजह से या जिस भी वजह से, परंतु एक नदियों के साथ जो तादात्म्य है, नदियों के साथ जो एक प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ बार बार उठ कर आती है। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा में भी पुरानी सरकार ने और इस सरकार ने भी भयानक खनन किया, इतना खनन किया कि नदी नर्मदा जैसी विशाल विराट महागम नदी जो है वो एक अपने अस्तित्व के लिए कुछ जगहों पर जूझने लग जाती है। कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर उसको संकट से गुजर रही होती है। तो मेरा ये कहना है कि अरपा के साथ ऐसी स्थितियाँ ना हो। अरपा एक ज़्यादा लंबी दूरी की नदी नहीं है, इसलिए इसको अपनी माँ की तरह, अपनी मौसी की तरह, अपने रिश्ते नातों की तरह, अपने आप की तरह, अपने शरीर की तरह, अपनी विलासिता से जिस तरह से प्रेम करते हैं, उस तरह से इससे भी प्रेम करें और इसके साथ चलें, इसके साथ रहें। ये आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी, लेकिन आप इसके राह में ना आएँ, और आप इसकी राह में आएंगे, हो सकता है एक दशक, दो दशक, तीन दशक वो आपको बेदखल भी ना करे अपनी राह से, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो आपको ऐसा बेदखल करेगी कि आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। इसलिए नदियों का, प्रकृति का,
प्रकृति के सारे अवयवों का सम्मान करें और आज इस अरपा के इस विराट स्वरूप को देखने जरूर जुटें, यही करें, कम से कम कुछ ना कर सके तो। चलिए, बारिश बढ़ रही है, मोबाइल भीग सकता है, इसलिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।